हाँ बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हम ओपन क्लासेस प्रयागराज चैनल पर। बच्चों, आज का जो विषय है समरूपी भिन्नार्थक शब्द है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और ये आपको बता दें कि नाम से ही पता चल रहा है, समरूपी अर्थात जिसके रूप क्या हो, समान हो। सम माने बराबर, रूपी माने रूप, तो जिसके रूप समान होते ना उसी को हम लोग बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। अगर परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो दिखने और उच्चारण में लगभग समान होते हैं उन्हें हम समरूपी भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। परिभाषा फिर सुनो, वे शब्द जो दिखने में समान और उच्चारण में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें समरूपी जो है शब्द कहते हैं। और समरूपी या समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। समान रूप होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं बच्चों, बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे आपका बता दें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये यूपी टेट, सुपर टेट और जहाँ भी हिंदी आती है, यूपीएससी की जो भी वैकेंसियाँ हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखपाल, वीडियो, ये सब के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए आप मन लगा के पढ़िए। और इसके लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला आकर, आकर माने ना करने योग्य, कहते हैं ना कर यार, आकर ना करने योग्य, जिसको नहीं करना चाहिए। दूसरा आकार है और यहाँ है आकर, आकर मतलब खजाना होता है, खजाना तो जानते हैं आप लोग, इसको कहाँ बुला सकते हैं, हर आदमी खजाने के चक्कर में तो पड़ा हुआ है, कैसे भरे खजाना भैया, कहीं मिल जाता खजाना, गड़ा धन वगैरह, है ना। कहते हैं सुमिरन को ढूंढत फिरे कभी ब्रह्मचारी चोर, तो हर आदमी का एक टारगेट होता है, उसके पीछे वो भागता रहता है। तो ज़्यादातर आजकल लोग खजाने के चक्कर में ही भाग रहे हैं भैया, है ना। तो बच्चों अगली बात करते हैं आकार की। तो आकार माने होता है रूप या आकृति, कहते हैं क्या आकार है, रूप कितना बढ़िया है, आकृति साइज शेप, है ना। तो आकार को आप बोल सकते हैं क्या, रूप और आकृति। अगला है अग, अग माने सूर्य होता है या पहाड़ होता है, सूर्य तो जानते हैं, भगवान सूरज को कहते हैं, भानु भास्कर दिवाकर, है ना। तो अग माने होता सूर्य और सूर्य किसको बोलते हैं, पहाड़ को। अगला बच्चों आपका आहा, कहते हैं आह नहीं निकल रही इनसे, तो आह माने पाप होता है या पापी को कह सकते हैं, अपवित्र व्यक्ति होता है, अरे जिसने मर्डर किया है, किसी को सताया है, दुख दिया है, वही तो आह नहीं निकलती है, है ना। तो ये हो गया आपका पापी, पाप या अपवित्र। एक होता है आज्ञा, आज्ञा माने होता है आज्ञा माने होता है कि भाई किसी से आज्ञा मिल जाए तो हम ये काम कर लें, तो यहाँ आज्ञा दिया है, क्या दिया बच्चों आपका, आज्ञा दिया है। और आज्ञा का मतलब होता है मूर्ख या ज्ञानी, बहुत से मूर्ख थे, मूर्खों के राजा तो कालिदास को कहते हैं, है ना। और आपको पता ना कि सपने को पाने के लिए ना समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, इस दुनिया को पागलों ने बसाया है, किसने बनाया है, पागलों ने। समझदार तो आज समझदारी से जी के चले गए, मर गए, कोई नहीं जानता उनको। और जिसने सपनों के पीछे पागलों की तरह मेहनत किया ना, है ना, उसने इस दुनिया को बनाया, दुनिया को पागलों ने बनाया है, है ना। तो मूर्ख अज्ञानी, महाकवि कालिदास मूर्खाधिराज थे कि नहीं, जिस पेड़ की डाली बड़ी उसे काट रहे थे, न जीने की चिंता न मरने की चिंता। और आज वही महाकवि कालिदास संस्कृत के प्रखंड विद्वान है, संस्कृत के जनक माने जाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही भी आप अपने टारगेट के लिए पागल बन जाओ, और पागल का फुल फॉर्म बताएं ना आपको, पागल, पासे प्रगतिशील, गासे गतिशील, लक्ष्य से लक्ष्यशील, जो प्रगति करे, गति करे और लक्ष्य के लिए करे, वही है पागल, ठीक है ना।
अगली बात करते हैं बच्चों आपसे, तीसरा नंबर अम्ल। अम्ल जानते हैं ना, अम्ल माने खट्टा होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, है ना। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसको अम्ल कहते हैं, है ना। अम्लराज सुना ना, एक्वारेजिया, एक अणु HNO3 का एच और तीन अणु HCl का, जब मिला देते हैं बन जाता है अम्ल राज। और अम्ल माने खट्टा होता भैया। अम्ल तो बहुत खाए यार, नींबू खाए हो ना, नींबू में होता सिट्रिक एसिड, क्या होता है सिट्रिक एसिड। सेब खाते हैं मैलिक एसिड, सिरका खाते ना एस्टिक एसिड CH3COOH, ठीक अम्ल है, अम्ल तो है। अगच, अगच माने होता है अमल, अमल माने होता है पालन, क्या होता है पालन, पालन पोषण, जानते हैं ना आप लोग, तब फिर वही चीज़ है, आपके माँ बाप आपको आपको पालित रहे हैं, बढ़िया खिला पिला के भेज देते हैं, जा बेटा कोचिंग एवरेस्ट पहुँच जा, है ना। तो पालन पोषण हो रहा है ना, अब आप लोग मेहनत करिए। अगला है अयस, अयस माने होता है बदनामी, यस माने होता है कि क्या नाम कमाना, और आयस माने होता है बदनामी, और दूसरा आयस माने होता लोहा। देखें सब देखिए जैसा, लेकिन अर्थ बदल गया ना, आयस माने लोहा। लोहे का सूत्र क्या होता है बच्चों, Fe, क्या होता है Fe, और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 26। एक क्वेश्चन पूछा है सुपरडेट में कि लोहे के दो अयस्कों के नाम बताइए, तो फेरिक ऑक्साइड और फेरस, फेरिक यानी Fe2O3 और Fe2O4, फेरस और फेरिक, ठीक है ना। अगला बच्चों अजर, अजर माने देवता जो बूढ़ा ना हो, है ना, अजर माने जो बूढ़ा ना हो यार, हमेशा जवान रहे, देवता। देवता लोग कभी बुढ़ाते देखा का, इतना बड़ा रामायण में देखा, कभी देखा राम जी बुढ़वा गए, हनुमान जी को देखा कहीं बुढ़े हुए क्या, विष्णु भगवान वैसे के वैसे सदियों से युगों युगों से देखा है। और रामायण में एक चौपाई याद आ गई यार, अजर अमर गुरु निधुसुत हों करौ बहुत रघुनायक छौ। सीता जी ने कहा था हनुमान जी को कि अजर अमर गुरु निधुसुत हों करौ बहुत रघुनायक छौ, अर्थात हनुमान जी अजर और अमर हैं, यही हैं जो पृथ्वी पे व्याप्त हैं, हर जगह हनुमान जी की मूर्तियाँ, मंदिर तो देखा ही है। तो ये इन्हीं को मिला है, कहा गया अजर अमर गुरु निधुसुत हों करौ बहुत रघुनायक छौ, अर्थात बेटा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बुढ़ापे से दूर हो जाओ, है ना, तुम्हें बुढ़ापा न मिले, और भगवान की राम की हमेशा सेवा करो। एक अजीर माने होता है बच्चा आंगन, कहते अंगना, अंगना में निमिया के छाव रे, है ना, याद है आंगन, घर का सबसे खूबसूरत स्थान होता है आंगन, है ना, कहते हैं कि आंगन में बैठेंगे उठेंगे सारा काम होता है, नाच नावे आंगन टेढ़ा, आंगन में नाचते भी तो हो आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं आपसे, अंगना, आंगन है तो अंगना होना चाहिए भैया, बिना अंगना का आंगन अच्छा नहीं लगता। अंगना माने स्त्री होता है, और एक अंगना माने आंगन होता है, आंगन जानते ना, तो स्त्रियों के ये सब खूबसूरत जो है वही श्रृंगार है। अगला अंगद, अंगद मन होता निरोग, जिसके अंदर कोई रोग ना हो, तो सबसे बड़ा दौलत बच्चों यही है स्वास्थ्य, कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, दुनिया में सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो स्वास्थ्य, यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो बच्चों वैसे निरोग शरीर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अंगद है, अंगद, अंगद कौन है, बाली के पुत्र, याद आया अंगद जी ने जाके रावण जी को सिखा दिया था ना, अपना पैर जमा दिया था और कहा चल भाई पैर उठा ले जिसको भी, है ना। तो इस तरह से आपका ये नियोग रहा, अंगद रहा, बाली का पुत्र। तो अगला है आपका अचल, तो अचल माने होता बच्चों कि जो स्थिर हो, अर्थात जो पर्वत हो उसे अचल कहते हैं बड़ा जी। हाँ भाई शाम देखा गजब क्या है आज, चलो बच्चों
चल रहा भाई। हाँ, अंगद तो बाली का पुत्र है अंगद। और अगला बच्चों आपका अचल। अचल माने होता है स्थिर या पर्वत, जो चलता ना हो, कहते हैं अचल है। अचल रहे सहभाग तुम्हारा, यानी कि अचल हो जो चलता ना हो, और स्थिर कौन है भैया, स्थिर है पर्वत। पर्वत है ना, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओगे, है ना। तो अचल होना चाहिए, यानी कि ढुलमुल रैया नहीं होना कि आज करें कल करें। हाँ, जो सोच लिया वो सोच लिया, कहते हैं ना कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख विपत्ति आने पर मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने पर। अटल होना चाहिए यार, अगर कोई चीज ठान लिया तो ठान लिया, जोगा देखा जाएगा। तो ऐसे अचल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ढुलमुल नहीं कि चल भैया आज लेखपाल बने, कल पुलिस बनेंगे, परसों मास्टर बनेंगे, नर्सों कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं। एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को भेद दो यार, है ना। अचल स्थिर पर्वत की तरह। अचला माने पृथ्वी होती है, क्या होती है, पृथ्वी। वसुंधरा माने पृथ्वी, है ना, रत्न गर्भा पृथ्वी, तो ये पृथ्वी है भाई। अगला बच्चों अज है, 9 नंबर। अज माने होता है बकरा, कहते हैं ना आज का सिर लगा दिया था भगवान भोलेनाथ ने अपने ससुर दक्ष के सिर को काट के उसमें बकरे का सिर लगा दिया था, है ना। अच्छा, अरे सती के पति थे भगवान भोलेनाथ भैया, ठीक है ना, जानते हो ना, 56 जगह उनके सिर को, उनकी पूरी बॉडी काट गिरी, जहाँ पे आज जो है माँ शक्ति का जो है रूप बन गया, वहाँ पे आज मंदिर स्थापित है, जिसे विंध्याचल हो गई, है ना। ऐसे अजा माने बकरी होती है, तो कितना गजब का है बकरी और बकरा। अगला अतप, अतप माने ठंडा, कहते ठंडा हो गया सलाम, है ना, गर्मी में सब ठंडे ढूंढते रहते हैं, ठंडा बोले तो कूल कूल, है ना, अतप। अगला अतप माने धूप होती है बच्चों, धूप जानते ना, कहते बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जानते हैं आप लोग घबराते हैं, ये जो ठंडा बनाने वाली कंपनी नहीं है, जब ठंडा बनाई थी तो साल में इसके केवल 20 बोतल बिके थे साल भर में, और कंपनी बंद हो गई, सैलरी नहीं आई, और कंपनी में वाले ने कहा भैया ऐसा है कि कुछ कम पैसा ले लो, और इसने क्या किया, अपने व्यक्तिगत पैसे से कंपनी को चलाया, और आज ठंडा पूरे वर्ल्ड में सबसे बिकने वाला पेय पदार्थ है। आज ठंडा बोले तो कूल कूल, यानी कोको कोला का नाम ठंडा बोलते हैं, तो हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अगला बच्चों अगत, अगत माने ना गाया हुआ, कहते हैं अगत ना गाया हुआ। दूसरा आगत, आगत माने आया हुआ, आगत माने आया हुआ। अगला है अजय, अजय कितना बढ़िया वाक्य, अजय जिसे जीता ना जा सके, ना जीता जा सके अजय है। अजगा बकरी या भांग का पौधा, भांग तो जानते ना बिल्कुल, अरे कनक माने बात होता है, पढ़े ना, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। कनक धतूरा, अरे भाई भांग जब बड़ी हो तो भंगौड़ा बन जाता है यार, समझे ना, जिसे गांजा कर। अगार माने स्थान, और अगर माने ढेर होता है, तो जहाँ बैठे ना अगार हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, और एक अगर माने ढेर होता भैया, कचरों का ढेर कह सकते हैं। अनावर्त जो ना दोहराया गया, जिसे दोहराया नहीं जाते ना, उसे अनावर्त कहते हैं, अनावर्त। एक होता है अनावृत्त, अनावृत्त, अनावृत्त माने होता है चारों तरफ ढका हुआ, ना टफा हुआ, यानी फटा हुआ ना हो, अनावृत्त हो। अगला बच्चों 15 नंबर अवनी, अवनी माने पृथ्वी होती है, अवनी माने क्या होता है, पृथ्वी, बताए थे ना आपको पृथ्वी। और अवन माने रक्षा होता है, रक्षा करते हैं ना, कहते भगवान मेरी रक्षा करो, है ना, भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, दलबल के साथ माया, माया के साथ तुम हो, भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अवन माने रक्षा हो गई। फिर होता है आयकार, अपकार माने बुराई होता है, कहते हैं अपकार कर रहे हैं साहब आप, तो बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए, तो उपकार करिए आप, उपकार, उपकार माने होता भलाई, अच्छा किसी के साथ आप अगर अच्छा काम करेंगे तो उसको बोलते हैं उपकार बोलते हैं साहब, भलाई बोलते हैं साहब, है ना, भलाई का बदला, बुराई का बदला भलाई से दिए जा, है ना, ऊपर वाला एक दिन सुनेगा। अगला बच्चों
अपत, अपत मन होता है संतान, संतान सुख मिलता है लोगों को। फिर होता है अपयश माने आरोग्य, अपयभ्य माने होता है आयोग्य, जो व्यक्ति योग ना हो। अगला है अवगर्ष, अवगर्ष माने आलोचना। आज के दुनिया में ना भैया 70% लोग दूसरों की बुराई में परेशान है, आलोचना कर रहे हैं। उनके पास इतना टाइम है, इतना टाइम है ना कि जब भी किसी से बात करेंगे वो अपनी बात ना करके उसकी बात करेंगे। जिंदगी उनकी है, बात दूसरे की कर रहे हैं, आलोचना में बीत जा रहा, सारा दिन बीतता, सारी रतियाँ बीतती है ना। कभी आगे की सोचते हैं, कभी पीछे की सोचते हैं। वर्तमान में तो जीना आता ही नहीं यार, आलोचनाओं में जिंदगी काट दे रहे हैं। कहते हैं ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ईर्षालु व्यक्ति हैं, ईर्षा करते करते जिंदगी बिता दे रहे हैं, है ना, जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, है ना। तो आलोचना नहीं करना चाहिए किसी की, है ना। आलोचना करना तो अपनी करो, अपनी कमियों को ढूंढो, है ना, उसको दूर कर दो, आप लोचन हो जाओगे, चमक जाओगे भैया सोने की तरह। अवमार्स माने होता है स्पर्श, कहते हैं स्पर्श, है ना, चरण स्पर्श करते हैं आप लोग माँ बाप के ना, तो वही होता है अवमर्श माने स्पर्श होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ माने होता है विशेषज्ञ, जानकार, स्पेशलिस्ट कहते हैं यार, आजकल डॉक्टर देखते नहीं, मास्टर होते हैं ना विषय के स्पेशलिस्ट, हाँ इसलिए मास्टर जाते हैं साहब। अभिज्ञ माने जिससे कोई चीज़ छिपा ना हो साहब, विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है। एक अनभिज्ञ होता है, वो कहता हम कुछ ना जानते, अनभिज्ञ माने भैया कहें हमको क्या पता यार, क्या भाई कुछ ना पता, हमको अनजान बन जाते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के अनजान बन जाते हैं कि हम कुछ ना जाने, है ना। तो अनभिज्ञ माने होता अनजान, जो ना जानता हो। अगला 20 नंबर असी, अस माने तलवार होता है, कृपण, कहते हैं काट डालेंगे तलवार से, है ना, तलवारें मशहूर थी राणा की, है ना, बाला तलवारें मशहूर थी बहुत, कहते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई की, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तलवार याद आया। एक अस्सी होता भैया, अस्सी माने अस्सी नंबर है, अस्सी गंगा के तीर, है ना, तो अस्सी कहो अस्सी दोनों समान शब्द लग रहे हैं ना, लेकिन अर्थ अलग अलग साहब। एक अंश माने होता है कंधा, कहते हैं अंश। एक अंश माने हिस्सा होता है भांग, कहीं तो कह एक अंश ना दे, वो करे दही दे भैया, भाई का अंश ना खाई चाहिए, बता ना अंश। अरे आपके यहाँ कोई चीज आती है ना, कहते हैं कि आधा अंश हम कर देगा, तो अंश माने भाग होता है, हिस्सा होता है, बंटवारा। अगला बच्चों है आपका आहार, आहार माने पोखर होता है, पोखर, पोखर जानते हैं तालाब यार, देखो पांड्स पूल्स रिवर एंड लेकेज, तो ये पोखर जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग पूल्स बोलते हैं, और पूल्स का मतलब होता है पोखर, और पोखर का मतलब होता है जहाँ पे दुबला के लिए पानी उठाया जाता है, यानी वो गड्ढा जो जहाँ से पानी उठा के खेत में डाला जाता है उसको बोलते हैं पोखर, समझ गया ना। अरे यार पोखर नहीं जानता, दुबला नहीं लगा था चेहरे में, बहुत लगा था, वो एक पोखर का आदमी। अगला है आहार, आहार माने भोजन, कहते हैं चला भोजन केला, है ना, गुस्से आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं हम ना खाएंगे, और बुला लाने एक दिन और कह दें तो आ जाइए, फिर तो भोजन के लिए पहुंच जाते हैं आप। कहते हैं राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, ज़्यादा तो लोग खाने के चक्कर में पड़े जाते हैं भैया, और ये नहीं पता ना कि जो मज़ा खिलाने में हो खाने में नहीं है। कभी खिला के देखो किसी को, जो संतुष्टि मिलती ना उतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और खाए के बाद परेशान, कहें ज़्यादा खा ली, कहा यार कितना लोग खाए के परेशान है। तो बस आहार करो तो बस थोड़ा सा, अब विद्यार्थी को तो अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाना चाहिए, लेकिन आज के विद्यार्थी खाए के पेट निकाल लिए हैं, मोटाए गए हैं, तो आहार ठीक नहीं है, अल्पाहारी। कहते हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम, काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, अल्पाहारी स्वान निंदा निद्रा। बच्चों अगली बात करते हैं अस्त्र, अस्त्र शस्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है आज, भूलना नहीं इसको। अस्त्र माने फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र माने फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिट में आया भाई, टीईटीट में आया है, एसएससी में आया है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तीर होगा, तीर जानते ना, तीर हो गया, गोली हो गई, गोली मार देंगे आपको, है ना,
ढीला मार दिए, है ना। तो ये आपका हो गया बम बारूद यार, मिसाइल में, है ना। और शस्त्र माने जो हाथ में रख के चलाया जाए, है ना। शस्त्र तो शस्त्र कहाँ चलता है, हाथ के माध्यम चलता है। तो हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार, तो जैसे तलवार होगी भैया, कैन काट डब, छुरी होगी, चाकू होगा, लाठी होगा, डंडा होगा, है ना, मुक्का होगा, मुक्की होगा, मार मुक्की आए दिन, तो शस्त्र होगा। अब समझ पाए ना, छुरी चाकू तलवार जो हाथ के माध्यम से चलाया जाए, हाथों हाथ, है ना, वही। अस्थि माने है, और एक अस्थि माने हड्डी हो, तो कहन अस्थि यानी आ गए हैं, और अस्थि माने हड्डी, और कहन हड्डी पर से तोड़ दे तार, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आवा था यार कि मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं जवान आदमी में, 206, वेरी गुड। और बच्चों में ये बता दे रहा यार, बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हाँ शाबाश 300, तो 94 हड्डी का है, तो ये जुड़ जुड़ के बड़ी हड्डियाँ बना लेती हैं, है ना। तो हड्डी बारे में पढ़ाए ना, वीडियो देखो उसका, तो 206 हड्डी होती हैं वैक्स में, और बच्चों में कितनी हड्डियाँ, 300, ठीक है ना, 94 जुड़ जाती है साहब। अगला अस्थि, हस्त माने हाथी, हाथी हाथी जानते ना, हाथी खून सफ़ेद होता भाई, और इसका जो शुक्राशय, जो शुक्राशय होता है इसके विदेह गुहा के अंदर होता है, स्पेशल करेक्टर हाथी का। और अस्थि माने होता अस्तित्व, कहते हैं हस्ती, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना, कहते ना कहीं तहार हस्ती मिटा देवा, अरे कहीं तहार का हस्ती बा हमका मार देवा हो, तो अस्थि माने अस्तित्व होता, कहा होता अस्तित्व। कहते ना कि दुनिया के सारे देश खत्म हो गए, नाम मिट गया, लेकिन भारत का नाम अभी भी जिंदा है और सदियों तक रहेगा। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, और नहीं मिटेगी। आप लोग मेहनत करिए ना, बनिए आइए स्पीसीएस, देश आपका है। अगला बच्चों अनल होता है, अनल माने आग होता, आग जानते हैं ना, कहते हैं आग उगलता है भैया, अनल, पावक, अग्नि, हुताशन, ये सब पढ़ाए बैठे प्रायवाची, हिंदी की देखा वीडियो प्रायवाची में, तो यहाँ हम समानार्थी पढ़ाती ना, थोड़ा पढ़ाती शब्द एक शब्द पढ़ाते हैं, एक दूसरे से मैच करता हूँ। अनल माने आग हो गए, एक अनिल माने हवा, अनिल आग हवा बहुत खतरनाक चीज़ है भैया। कहते समर्थ ते नहीं दोस्त गुसाई, सूर शर रवि पावक की नाही। अग्नि किसी को जला दे कोई बुरा नहीं मानेगा, हवा किसी को उड़ा ले जाए भैया, कहना अरे का कर भैया समर्थवान है, है ना। एक होता है अंबुज, अंबुज माने कमल हो, अंबुज नीरज तोयज पंकज से बताए सब ना, तो अंबुज माने कमल। एक अंबुद माने होता बादल, एक अबुध माने होता समुद्र, अबुध माने समुद्र होता है, रत्नाकर माने समुद्र होता है, पयोधि माने समुद्र होता है। यहाँ समानार्थी सब देखो और समान शब्द क्या दिख रहा, अम्बुद अम्बुद अम्बुज अम्बुदि। एक होता अवलंग माने सहारा, अवलंब, कहते हैं अवलंब दे दो भैया, सहारा दे दो कुछ। एक होता अविलंब, शीघ्र बिना देरी के, है ना, यानी कोनो काम कोनो बोले ना, हाँ हाँ हो जी ठीक है। अरे जो हनुमान जी थे यार, अपने हनुमान जी, अगर राम जी के मुँह से कोनो आवाज़ निकले ना, तुरंत हनुमान जी तैयार ना, हाँ बताइए जी क्या करना प्रभु, तुरंत हर पल तैयार थे एकदम मारुति नंदन। कोनो बात राम जी के मुँह से निकली ना, हनुमान जी तैयार एकदम रेडी तक खड़ा रहन, है ना। और एक भगवान के चेला रहन अर्जुन कन्हैया के, तो कोनो बोले कन्हैया ना कोनो बात की, अर्जुन ये करेगा है फिर काका कहाँ कैसे होएगा, लेकिन परंतु कंतु तमाम प्रकार के किंतु परंतु लेकिन लगा लगा के होई ना होई लगा लगा के बात को ख़त्म कर देते थे। और आज देखा हनुमान जी का मंदिर तो हर गली मोहल्ला में बन जाए, मिल जाए भैया, राम से ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर बा, है ना। और तुलसीदास ने क्या लिखा, मोरे मन अधिक विश्वासा, राम से बढ़कर राम कर दासा, क्योंकि ये तुरंत सुनने वाले थे, तत्काल ऑन स्पॉट रिजल्ट देने वाले थे, सोचते विचारते नहीं थे। और कन्हैया का मंदिर तो कहूँ कहूँ लोग जय बच्चा देख लेबा, लेकिन अर्जुन के मंदिर कहूँ ना दिखाई। तो आप लोग भी कर्मशील बनिए हनुमान जी की तरह से, ज्ञान लीजिए कि कितने कर्मठी थे,
है ना, कह रहे थे कर्म प्रधान विश्व रचना का, है ना। तो ऐसे आप भी कर्म करिए, सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हुआ, शीघ्र बिना देरी के अविलंब। अगला अवरोध है, अवरोध माने रुकावट, क्या होता है रुकावट, कहीं बड़ा अवरोध खड़ा, बैरियर हो, कहते हैं गज सीमा 40 आगे अवरोधक है, बैरियर लगा हुआ, तो रुकावट है। अविरोध बिना विरोध के, बिना विरोध ना करे, जाने दें आप, रोको मत, जाने दो, कहते रोको मत जाने दो, ये रुकावट हो गई, और रोको मत जाने दो, ये हो गया आपका अविरोध हो गया साहब। अवधि माने तो समय सीमा, कहते हैं 2 घंटे अवधि क्या है पेपर, ये तो 2 घंटे में आपसे पेपर कंप्लीट करा लिएंगे, ये समय सीमा होगी। एक अवधि होती है, अवधि माने भाषा अवधि। हम लोग ना अरे प्रयागराज और अयोध्या ये सब स्थानों पे अवधि तो बोली जाती है, अवधि, भगवान राम अवध के तो थे। अगला बच्चों अपहार, अपहार माने होता है अपहरण, कहते हैं अपहरण कर लिया भैया, सीता जी का अपहरण किसने किया था, रावण ने, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तो अपहरण हो गया। एक होता आहार, आहार तो बता दिए भोजन होता था, उपहार भेंट, उपहार तो आप पैसा लगा खरीदिए दूसरे को फ्री में दे दीजिए, उपहार हो गया, भेंट स्वरूप देते साहब। एक होती आधी, आधी मानो तो मानसिक पीड़ा, कहते हैं हमका बहुत दुख भैया, दिमाग से बहुत दुखी है, मानसिक पीड़ा। एक होता आधी, आधा का स्त्री, आधी माने आधा का स्त्री, यानी कुछ बातें ऐसी होती ना कि उसमें लोग कहते हैं हाफ माइंड है, फुल माइंड नहीं, कैसे हाफ माइंड है, कुछ कुछ दिमाग काम करत बा, कुछ कुछ काम ना करत बा। अगला आयस, आयस माने लोहा, और आयसु, आयसु माने आज्ञा, है ना, आयुष जो दें रघुनाथ था, है ना, अगर भगवान राम जी ने मुझे आयुष दिया होता तो मैं आपको ले चलता, है ना, हनुमान जी ने कहा था। आहुत माने होता हवि के रूप में, आहुत माने हवन होती, यार हवन तुम लोग करते हो ना पूजा पाठ में, तो आहुत माने हवन, हवि के रूप में, कहते ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, तो ही हो गया हवि के रूप में। आहूत माने जिसको बुलाया गया हो, कहते हैं आहूत करते हैं, बैठक आहूत करेंगे, सबको बुलाते हैं पंडित जी, बुला बुला मंत्र मार मार बुलाते हैं, ये यहाँ जाओ, बैठा लेते हैं सबको भैया, नवग्रह स्थापित करते हैं, भगवान बैठाते हैं, तो वो आहूत करते हैं, बुलाते हैं। उपयुक्त माने उचित होता है, कहते हैं ये बात उपयुक्त है, उचित है कि नहीं। और देखो तो उपयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर कहा गया, कहते हैं उपरयुक्त, आगे जो बात लिखी ना वही बात को दोहरा देते हैं, उसको बोलते हैं उपरयुक्त, है ना। फिर अगला बच्चों इति, इतिश्री यानी अंत कर दिया, इत माने समाप्त करना, कहन का हो, कहन इति होएगा, कहन इति होएगा खत्म, कहना कहन इत माने बाधा, तो बाधाओं से रहित हो जाओ बच्चों, बाधाएं तो जिंदगी के निखार के लिए जरूरी हैं, है ना, जिसके जीवन में बाधा नहीं उसका जीवन कोई जीवन है यार, बाधा होना बहुत जरूरी है। रहीम ने लिखा ना कि दुख बहुत जरूरी है, सुख तभी समझ में आएगा, है ना, कहते रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, यानी विपद थोड़े समय के लिए आती बाधाएं, है ना। और उर माने होता है हृदय, उर माने क्या होता है हृदय, कहते उर से लगा लिया, और उर माने जांच या विस्तार होता है, हृदय माने होता है सत्य, और हृदय माने मौसम होता है, मौसम समझते ना, कहते हैं मौसम का जादू है मितवा, है ना, भारत में कितने मौसम भैया, 4 मौसम की 5, 4 ही साहब, पतझड़ सावन बसंत बहार, है ना। फिर होता कुल, कुल माने परिवार, कहते हैं किस कुल से हो भैया, फैमिली बता दो साहब अपना, आज के लोग परिवार ही बहुत पूछते हैं, है ना, तो परिवार कुल हो गया, और यहाँ कुल हो गया साहब, तो यहाँ कुल माने किनारा होता है, नदियों किनारे होते हैं ना, नहरों में किनारे होते हैं, कहते हैं हम दो दोस्त ऐसे हैं ना, हम दो मित्र ऐसे हैं, साथ तो रह सकते हैं पर मिल नहीं सकते, साथ तो रह सकते हैं पर मिल नहीं रह सकते, मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि हम नदियों के दो किनारे हैं, अगर मिल जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी, दुनिया डूब जाएगी, इधर साथ तो रह सकते पर मिल नहीं सकते। कटक माने होता सोना,
कटक माने सोना और कंटक माने काटा, कहते हैं तुम्हारे रास्ते कंटक हो साहब, है ना, तो ये काटा हो गया साहब। आजकल लोग काटे बन रहे हैं एक दूसरे के रास्ते में। कल्पना, कृत्रिम विचार, कहते हैं कल्पना कल्पना कर रही है। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ए बोलो यार, हाँ सही है, कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, अमेरिका से गई थी। हाँ बिल्कुल शाबाश, ठीक है। अरे वो मतलब कि लौट रही थी ना, दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनके, मर गई वो। अरे कोई कल्पना वाला दुखी रहना, फलकना माने दुखी होना, कहते हैं फलक फलक के रो रहा है, फलपना। कपिस माने भूरा या मटमैला, कहें भूरा भूरा दिखा दो मटमैला कलर के यार कपिस। और कपिस माने बंदर होता है, बानर या मरकट कहते हैं ना कपिस। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग नहरों मुड़ कर पाना। तो हनुमान जी कपीस थे, है ना, तो बानर या मरकट कहते हैं। और केतु माने होता बच्चों झंडी या पताका, कैसे ऐसे झंडा फहराएंगे ना हिंदुस्तान का कि आसमान तक लहराएगा, है ना, तिरंगा झंडा पताका। और एक केतु माने नक्षत्र, राहु केतु जोड़ो लिया आएगा इनका आतु परसान बटला, है ना, तो केतु नक्षत्र है। और कीट माने होता कीड़ा, कीट माने कीड़ा। और काट एक कट माने होता फमर, क्या होता फमर। कास, कास माने होता घास, फास माने घास। और एक फास माने होता खांसी, है ना। फंत माने पति, और कांत माने सुंदर या पीत, या फाता माने पत्नी, है ना, कांता और कांत, है ना। अगला कृतज्ञ, जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता हो, कहते हैं कृतज्ञ देश अपना गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने अमर शहीदों को याद कर रहा है। तो बच्चों किसी का उपकार भूलना नहीं चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आप पे एहसान किया है तो उसको याद रखना चाहिए और वक्त बे वक्त उसका साथ देना चाहिए, है ना। कृतज्ञ माने होता जो अपने ऊपर किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ। और फारसी में क्या होते हैं एहसान फरामोश, यानी उसने आपके लिए किया आपने उसको भुला दिया, तो वो आपका हो गया जो है कृतज्ञ। कर्कट माने होता फेफड़ा, फरफट माने फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं अस्पंजी आकार के। और कर्कट माने गंदगी, कहें कर्कट कूड़ा कर्कट फैलाए देन भैया, उन्हें मोरो एक फैलाए देन, तो गंदगी होता है, कहें कूड़ा कर्कट दूर रखा, है ना। दत्त माने होता नुकसान, नुकसान हो गया भैया। और छित माने पृथ्वी हो गई। ग्रह माने नक्षत्र, बताया ना नवग्रह होती साहब, है ना। अब तो आठ ही ग्रह बचे, एक ग्रह तो हटाए दिए ना हो मंगल के, अरे यम के हटाए दिए। और अग्रह माने घर, कहते हैं गृह। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब प्राई, है ना। तो गृह माने घर होता है साहब, निवास होता, निकेतन होता है। और गड़ना माने चुभना, कहें कहा हो बहुत गलत बात हो के तुरे आँखी क्रिकली होगी कहाँ, तो वही भैया चुभना। और एक गड़ना माने तो बनना या झुट्ठी, है ना। अगला है गात, गात माने शरीर, है ना। और घात माने हमला करने के इंतजार, कहें घात लगा के बैठा है मौका पहिए ना तो निपटाएं दिए धोखा, हमला करने के इंतजार में या पकड़ने के इंतजार में, कहीं घाती हैं घात लगा के बैठे हैं चोर ना, घात लगा के बैठा रहा था क्या वजह तो कब लूट ले। और गात माने शरीर उतना, कहते हैं जो केले के गात में गात, गात में गात, तो चतुरन की बात में बात, बात में बात। किसने लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने, क्या लिखा है, जो केले के गात में गात, गात में गात। अगर केला छीला ना जितने छिलवा उतने गात निकले, हुआ उतना लेयर निकला था यार। ऐसे जो चतुरन की बात में बात, बात में बात, और चतुर लोग जो बोल देती ना, बाल में खाल, बाल में खाल, खाल में बाल, निकाले निकाले कहीं एक मरते एक हो एक, मतलब मार स्लेस में अलंकार थे ना, चपका रहा था उनके बतिये में, समझ गया। घोष माने गर्जन, जय घोष करते ना, बोलो पौन सुध हनुमान जी की जय बोलते ना, तो गर्जन हो गया। और एक घोष माने बस्ती होता था जहाँ पे लोग रहते हैं। एक होता है चपल, चपल माने चंचल, चंचल, चपला चंचल,
चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। बिजली की तरह चमकते थे, चपला माने बिजली, बिजली हो बिजलिया। एक झूठा माने होता खाकर आ छोड़ा हुआ, कहन झूठा भैया जूठार के हम बदित बैठे हम ना खावे के, बच्चे बोलते नहीं ए ये सब जूठार दिए जूठा मुठो खपका इनकी, तो खाकर छोड़ा हुआ जूठा है ना, और जूठा तो कन्हैया खाए थे साहब किसका हा? अरे वही द्रौपदी के बर्तन में धुलने के बाद जो निकला था है ना, याद आया महाभारत की बात है। एक झूठा होता है झूठ बोलने वाला, आजकल लोग बहुत झूठा हैं, बात बात में झूठा बुलाते हैं, अरे कितना झूठा ऐसे नजर से नजर मिला के झूठ बोले थे यार। तो झूठ माने झूठ बोलने वाला झूठा। तम माने अंधकार होता है, क्या होता है अंधकार, कहते हैं अंधेरा हो गया सब तम हो गया। और तमा माने रात्रि होती है, क्या होती है रात्रि होती है। और तमी माने क्या होते हैं अंधेरी रात, कहते हैं अंधेरी रात साहब है ना। तरणी माने होता सूर्य, क्या होता है सूर्य। तरणी माने नाव, नाव समझते ना समुद्र में नैया डोले ना, वैसे आज के जमाने में लोग डोलते हैं है ना, कैसे जैसे नदिया में नैया डोले वैसे आजकल लोग डोले बैतन घोल घोल के है ना। तो तरणी माने नाव जो आपको तरणी पार लगा दे बैतरणी नदी। और तरुणी माने युवती, युवती समझते ना, अरे आप लोग कुमार जैसे भाई, तरुणी माने युवती होती है साहब। तिलक माने तिनका है ना, सीता जी ने तिनके कोर्ट में लिया था है ना। और त्राण माने तो मुक्ति मुफ्त, तलाक कहें तलाक धलाक काम करा यार, तलाक से काम के दिए, तलाक माने शीघ्र अति शीघ्र, कहें तड़ 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 पीट दें तलाक समारे के छाए से, तो ये शीघ्र होगा। और तलाक माने होता तालाब, तलाक माने क्या होता तालाब। तनु माने पतला, क्या होता पतला तनु। गैस प्रवस्था तनु बिलियन में किसी पदार्थ की मोलर सांता को उसका शक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तनुता जैसी फीका बनी न सके, केमिस्ट्रिक शब्द है यार, यानी इतना पतला इतना पतला इतना फीका को कम हो ही ना सकत। जैसे एक किलो चीनी ले ला, अरे एक लीटर पानी ला एक दाना चीनी डाल दिया, या एक ग्राम पानी भर ला एक दाना चीनी डाल दिया, वही कर तनुता, यानी जितना कम से कम हो सके। और तनु माने पुत्र, तनु माने पुत्र, और तनुजा माने पुत्री। तरी, तरी माने लाभ नाव, और तरी माने ठंडक, कहन खूब तरी लेता आजकल ठंडा ही पियता हो, कहन बड़ा ठंडा हाथ यार तरी तरी आओ भाई छपरलवा बड़ा तरी मारत बा ठंडक। तर माने गीला, कहन एकदम तर हो गया भाई पसीना से ऊपर से नीचे सब कुल गीला हो गए हो, कहन कहा कहन पसीना से तर हो गए, अब समझ गया अरे तुम लोग तर हो जाते ना कबो को यही खाते। तर माने गीला, और तर माने ठंडक, और तर माने नाव। और होता द्रव्य, द्रव्य माने तरल पदार्थ है ना, तेल घी तेल होगा, अरे घी की बात ना बा, घी गर्मी में तरल हो जाता बाकी ठंडी में जम जाते यार। और द्रव्य माने पदार्थ, पदार्थ जानते हैं पांच प्रकार के होते हैं साहब, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोसाइन, और तू लोग तीनों पढ़े हो, द्रव की तीन अवस्थाएं पढ़े कक्षा आठ में, ठोस द्रव गैस दुयाज पढ़ रहा यार, एक होगी कहाँ बोसाइन एक प्लाज्मा, पांच अवस्था होगा। अगला दूत माने संदेश वाहक, कहते राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कहें दूत है भैया, दूत माने संदेश वाहक जो संवेदना जैसे डाकिया होगा ना, या तू लोग पढ़ा बात का देश ना तो राजदूत बन सकते हैं, हर देश में एक एक राजदूत की नियुक्ति होता है यार। और एक होता है दूत, दूत माने जुआ, कहन बड़ा जुआ खेला जुआड़ी है भैया समझे ना। और एक दा माने गंभीर होता, दा माने गंभीर, और देह माने शरीर, कहते ना रामायण चौपाई अलवा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे ही मोर कुमारक गामी, जिन मोहि मारा तहि मोहि मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे, और मोह न कुछ बांधे कर लाजा कीन चाहो प्रभु कर का जा। तो कह सबके देह परम प्रिय स्वामी, यानी सबके शरीर उसको प्रिय होती, कौनो ऐसा ना हो दुनिया में डायनासोर यार क्योंकि अपन देह ना प्यारे बा, आजकल ना क्यों कह छू दिया तो हाथ तोड़ देता है, सबका अपन देह प्यारी बा, मुंह चार बार शीशम देखा था बटे मार सब लगाए गोरान बटन,
तो देह शरीर भैया लोग आज मंदिर की तरह पूजा करता है, छू ना सकता कोनों के। और डायनासोर के बाद जायज है यार कि डायनासोर लंबी शरीर रही, यदि कुकुर काट के खा जाते हैं तो उनका होश ना रहा है, तो उनके ना पता रहा। तो एक द्वीप होता, मैंने द्वीप मैंने टापू होता साहब, टापू है ना, अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, टापू ही तो है यार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद आए, पोर्ट ब्लेयर। द्वीप मैंने हाथी, हाथी होता हाथी, हाथी मेरा साथी आपका भी साथी है ना, देहात से बना देहाती। कहते कहाँ रात भैया, कहने हम देहात में रहते गांव में, और एक देहाती सारे शहर पे भारी होता है, एक देहाती सब पे भारी। और देहांत माने मृत्यु, कहन क्या हुआ, कहन देहावसान होएगा, देहांत। तो देहांत और देहांत में समानता बना, तो देहांत माने कहा मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, और देहात माने गांव। एक होता देह, देह माने धारण करने योग्य, जिसको धारण कर सके है ना, तो धारण करने योग्य। और एक ध्याय बन ध्येय कोचिंग चलते इलाहाबाद में यार, उद्देश्य कहें क्या ध्येय है तार, कहें अरे यार हम तो ग्रुप डी में जाए चाहे बटन, कहें कार तार ध्येय कहें यूपीटी पर 80 में कौन लेखपाल मिल जाए, वीडियो मिल जाए। तो ध्येय माने टारगेट, अपने टारगेट बेचना चलते बगा पढ़ाओ तो इसमें लेखपाल के। अगला नियत, नियत माने निश्चित, कहें तार नियत ठीक ना बहो है ना, यानी निश्चित ना बा। एक निर्यात माने होता है बच्चों भाग्य, कहते नियत तार सही है, नियत बढ़िया हो तो भाग्य ठीक ठाक हो जाए। और एक नियत माने मन की इच्छा, कहन तार नियत ठीक ना जनाती है, मौका पर उपत लगा तो मार दे तू आज। तो नियत माने मन की इच्छा, कहते नियत भी कंट्रोल करना चाहिए मन की इच्छा। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से कोई चीज़ जीतने का प्रयास कर लिया, मन की इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, तो आप जीत जाओगे, और हार गया तो फिर हार ही गया, क्यों कुछ कह ही नहीं सकते, समझ गया। एक नाई, कहन तार हजामत बनवा दे, हजामत मैंने बाहर होते यार, हजामत करने वाला अपने नाई भाई लोग जो हैं। और एक नाई माने होता समान या तरह, कहन राम की नाई बैठे श्याम भैया, नाई माने समान हो, कहन सीता की नाई हमारे भौजी हैं, पूरा मानन भैया, बहुत ज़्यादा ख्याल रख लें हमारा, तो नाई माने समान होएगा। एक होता नकल, कहन कहो आजकल बहुत नकल करत बैठे उनके यार, आज के हिंदुस्तान के हर परीक्षा में नकल होत बा यार, एग्जाम होते नकल होते पूछा ना, तो उनके नकल माने अनुकरण है ना, अरे नकल करा तो सही काम के करा हो ठीक है ना, गलत के करे काज हो। और एक नकुल माने न्योला, तो नकल नकुल समान लगता है ना समान, लेकिन अर्थ अलग अलग है। नभ माने हो गया गीला, नभ माने कहा बच्चा गीला, अगीला समझते हैं, कहन बर्तन गीला बा कपड़ा गीला बा, कहन तार खोपड़िया गीली है, पहले पोछ ला अपन। तो नम माने गीला, नमा माने नमस्कार, नमो नारायण कहते नमा नमा, तो नमा माने कहते हैं नमस्कार, ओम नमः शिवाय, तो नमा माने नमस्कार, भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। निर्जर मन होता जो बूढ़ा ना हो है ना, निर्जर जो बूढ़ा ना हो साहब, कमजोर ना हो साहब, वो क्या बोलते हैं निर्जर जो बूढ़ा ना हो। और निर्जर माने झरना, क्या होता है निर्जर माने झरना, कहते निर्जर हो गया साहब, झर गया सब, कहन का हो कहन झर ही है, कहन का भी कहन बरवई झर गया यार। तो निर्जर और निर्जर समझ गया ना, तो वही होएगा साहब। नियत माने मारा हुआ, नियत माने मरा हुआ, कहन मर गया। और निहित माने रखा हुआ है ना, कहन निहित है हमारा हिस्सा, जो हम तो ले आना है हमारो भाई यार, निहित है भैया रख ला, अब इन ले ले बा। नफर, नफर माने जो है मगर या नाक। और नरक माने नरक, कहन कहाँ जा रहे हैं, साइकिल की सवारी पड़े ना कच्छा हट में, अरे यार हिंदी ना पढ़े ओमर हन ना, साइकिल की सवारी और लेखक सुबह सुबह साइकिल निकालें चलावा नया होता उनको। तो पुलिस से पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले नरक के जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या, चल चल दो लोग की जगह है ना, तो नरक के जा रहे हैं सब, तो नरक मन नरक होएगा जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, सब स्वर्ग जाए चाहते है ना। और कबीर एक रहे जो नरक जाए चाहते हैं, वो काशी में ना मर के मगहर मरे जाते हैं, क्योंकि ये केवंती रही ना कि काशी में मरे वाला का स्वर्ग मिला था और मगहर में मरे वाले का नरक मिला था। तो कबीर दास सुदुकड़ी रावे बहन, कहन हम के ना मरे एक बहिया, हम चलते मगहर में वहीं मरब है ना, तो वही चीज है साहब।
नंद माने होता है बांधे कांधो, नंदी, बड़ी नंदी, बड़ी नदी। अरे यमुना जी जैसे हो गंगा जी होगी भैया, भारत की सबसे बड़ी नदी क्या नाम है? गंगा नदी। कितनी लंबाई हो? 2525 किलोमीटर, 25-25 याद रखो। और नांद माने बहुत तेज आवाज, कंच का चॉकलेट बात इतना तेज से। अरे धीरे धीरे बोल रहे थे, नांद बोले थे, बड़ा तेज बोल रहे तू तो, बहुत तेज आवाज होते। और निश्चल माने बिना छल के, कहन भैया बहुत निश्चल आए। अरे गुरु जी ना गुप्ता सर बहुत निश्चल आए, उनके जो उन मुंह में रात ना वही उनका आत्मा में रात, जो उन आत्मा वही मुंह पर रात है, उनको छिपोते नहीं सब बता रही थी यार। निश्चल आए, ईमानदार हैं, ईमानदार जिसे तू लोग पढ़े ना ईमानदार चोर, वैसे वो लोग निश्चल होते, गलतियों करी बता दी भैया हम गलत हो। और एक होता निश्चल माने जो चलाना, निश्चल जो ना चल सके, है ना। पथ माने रास्ता भैया, पथिक कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर, बाट माने रास्ता होता है ना। पंथ माने रास्ते के लिए भोजन, कहना पद लिए खाना होना लिए बाटे भैया तो रास्ते भोजन। और पतरा, पतरा माने वर्षा, पतरा माने वर्षा है ना। और पैरा माने खीर, पायस माने खीर। कहन खूब आजकल खीर खाता है भाई, दूध डाय डाय मार जमाए बाटा खीर, तो पायस माने खीर होता। और परीक्षा भैया, आजकल तार लोग परीक्षा चलते हैं, अरे अपने यहाँ हर हफ्ता टेस्ट होता ना हो बृहस्पतिवार शनिवार के, तो ये परीक्षा तो वहाँ परख जांच, कहीं तो कर जांच परख तहाँ परीक्षा ले। तो परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा माने क्या होता कीचड़, और परीक्षा माने परख। एक होता पवन, पवन माने हवा, और पावन माने पवित्र। कहते पावन मंदिर माँ का धाम है, ये एकदम पवित्र है भैया, है ना। एक होता परिणाम, परिणाम नतीजा, कहें का नतीजा बा हो, कहें रिजल्ट दो तीन दिन में आवाज बा, कहें ना हो भाई कई बार, कहें रुका रहा जजमान सामने ना आता, तो परिणाम बच्चा है ना, रिजल्ट सामने आएगा। और एक परिमाण होता है, परिमाण में मात्रा, कहें कितनी मात्रा में है, कहें हो ही किलो दो किलो, तो परिणाम माने मात्रा होगा। परुष माने कठोर होता, कहें परुष बा कुछ, कहें हाँ कठोर बा, ठीक है ना। और एक पुरुष होता, पुरुष माने आदमी होता भैया, कहा होता आदमी यार, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना खरीदना है ना, खिलौना है, जाता है जाता है। परिचालक माने कंडक्टर, अरे तमाम बस पर देखा मैं लिखा रहा परिचालक, बस को चलाने वाला चालक होता ना, लेकिन ओकर जो चालक के चलावे ना कंडक्टर, अरे यार बसिया के संपूर्ण मालिक ना कंडक्टर है होता, चालक तो केवल बस चलाओ, जब कंडक्टर बोले चल भाई तो चल, कहीं रुक तो रुक, और ना रोको सजाए के मालिक सामने कहीं ना, अरे जब सवारी देखे थी गाड़ी भगाए ली थी तो उनका तुरंत ट्रांसफर हुई थी, तो परिचालक वही है कंडक्टर। और एक परिचारक हो तो परिचारक माने सेवक या नौकर, परिचारक है ना। और एक प्रचारक हो तो भैया प्रचार करे वाले, अरे जो प्रचार होते भोपुर जहाँ पहुंचे उन्हें प्रचार करता है कि भैया फलाने बहुत ठीक है ढिकाने बहुत गड़बड़ा है। अरे जब चुनाव का टाइम आवा था ना तो प्रचार के लिए मरे पैसा के नेतवन फेंक देती यार, प्रचार ही करती भोपू से लाउड स्पीकर से तमाम प्रकार के टीवी में रेडियो में मोबाइल में प्रचार ही प्रचार करती, बरसाती मेरे टर 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 उतराई जाती ना, ऐसे नेता बरसात में होता है। 5 साल ना देखी सारे जीते के बाद, और जब चुनाव आई फिर पहुंची कि भौजी हम आएंगे दे तो ऑटो और का, अरे यार ऊपर चारक कहा थे। परिचित माने होता नष्ट भ्रष्ट, कहन परिचित के देव। और परिचित माने जाचा हुआ, कहन जाचे परखे ही कोनो दिक्कत ना बा परिचित बा। पिक माने कोयल, कहते कोयल की तेरी बोली, बड़ी प्यारी बोली होती कोयल की है ना, करिया जाए जितना रात लेकिन बोली इतनी गजब की रात ना दिल के छू जात। तो कहा थी बोलिए आजकल जान मारत बा, अगर तू लोग अच्छा बोली बोला ना कैसो के हुआ, लेकिन तार बोली अगर अच्छी लगत बा तो दुनिया तेरे पीछे पीछे घूमी, कहीं बड़ा प्यारा बोलते, बड़ा मीठा बोलती हैं, बड़ा मधुर बोलती हैं, हर आवाज़ में रसगुल्ले का रस होता साहब, और बोल बोलने के लिए सुनने के लिए तरसते रहते हैं, कहते नहीं बतला ली 2 मिनट है ना। पीक माने थूक होता है, आजकल लोग बहुत थूकत बटन लो, थूकता हुआ यूपी है ना, और झाड़ता हुआ बिहार पड़ेगा। प्रयाग माने पलंग, और प्रयात माने भर तक, और पायस माने खीर,
बताया ना आपको। और परिजन माने परिवार होता है, और बच्चों परिजन माने शत्रु होता है, और परजब माने बादल होता है। क्या होता है? बादल। और परिच्छद माने वस्त्र, कपड़ा हो। कहन आजकल वस्त्र बहुत कम पहनता, कहन का करी हो, गर्मी लगल हो यार, तो वस्त्र होएगा भैया। और परिच्छेद माने विभाग या त्रिज्या, कहन कौन परिच्छेद में आ, कहन दो भाई पांच में, तो परिच्छेद और परिच्छद सेम वर्ड है। प्रेषित माने भेजा गया, कहन हमने आपको चिट्ठी प्रेषित किया साहब, कहन मैसेजा प्रेषित कर रहा हो, भेज दा, तो भेजा गया। अब फिर होता पोषित माने प्रवास करने वाला, एक होता पोषित माने पाला हुआ, कहन पालन पोषण बहुत बढ़िया करे बटे, अब तू कुछ अच्छा काम केला। और होता प्रथा माने कुंती, और प्रथा माने रीति, कहन का रीति रिवाज बा यार, कहनी प्रथा भैया सदियों से चली आवत बा, हम तो समझी ना आवत की कैसे कैसे प्रथा बा हिंदुस्तान में। अरे यार जो ना है एकादशी के दिन सूप पीट के औरतन ईस्तर आवे दलितर जहाँ ईस्तर आवे दलितर सूप हुआ पीट के उखिया से बतावा ईश्वर को बुलावा थी दलितर भगावा थी, ये प्रथा ही तो वाह क्या कुरीत वाली प्रथा है। और आपने सुना था ये दहेज भी प्रथा है, आज कितना लोग मर जात बटन। और सबसे खतरनाक प्रथा तो रही भैया जो औरतन सती होती, सती प्रथा, कौनों पति मर जाए तो कब बैठा के मार डंडा खोपड़ी फोड़ के मार दें, कहाँ सती होगी, ठीक है ना। तो सती प्रथा अंत के दिन बाबा राज राम मोहन राय विलियम बेंटिक की मदद से पढ़ाए बटे जीएस में। पण माने मूल्य, कहन का मूल्य भैया, कहन आए ठीक ठाक के मूल्य, तो पण मूल्य होगा। और पण माने पत्ता, पत्ता जानते ना, पीपरी पत्ता देखे बाटे हो, पीपर पात सरिस मन डोला, नहीं सुन पाया, अरे यार पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन डोलता है, अगर पत्ता तनी से हवा चले ना तो डोले लाग, मन डोला रे पत्ता डोला रे, और ऐसे तनो बाद में कुछ देख गया ना तो हर लोग मन डोले लगा था, ए मिल जा तो ठीक रहा ना यार, है ना, यही रोजे तह लोग मन डोलत रहा था, कोनो चीज देख गया ना मन डोले शुरू होगा, डोला रे डोला, वही चीज है। तो यहाँ हो गया प्राण माने पत्ता। प्राण माने नमस्कार होता है, प्राण माने क्या होता है, नमस्कार। और होता प्रमाण माने सबूत, कहन का प्रमाण बा बच्चा कि तो का बहुत मारे ने, कहन दिखाओ तो हाथ गोड़ तुम्हारे तोड़े हैं, मान निशान निशान बना बा देख ला, माल लाल लाल बा, तो प्रमाण दिए है ना, एक प्रमाण आप लोग देते रहते हैं। और प्राण माने नमस्कार, कहते प्राम भैया प्राम, कहन प्राम। तो परिणय माने होता विवाह, बोलते ना सीता परिणय राम, बहुत कारण तू लोग देखे हो अब कि सवन उतर पाए होगा, सब में देखा लिखा रहता परिणय रहे, परिणय माने विवाह। और एक प्रणय माने होता प्रेम, प्रणय माने प्रेम प्रसंग, कितना लड़की का नाम प्रणय बा, कहन कहो पहले प्रणय आए कि तार मम्मी पापा है, कहन पहले प्रणय आए, पहले प्रेम आए तब विवाह भा, जब प्रेम नहीं आए तो विवाह कैसे हो यार, कौन सुने हुआ कि दू जने में मारपीट भयो फिर विवाह भो, एक दूसरे को न चाहते हो कोनो बात बनी गो, तो पहले प्रेम तब मिलन, है ना, बिना प्रेम के कोई मिले था क्यों से, अरे यार क्या बात करता, पहले प्रेम हुई तब फिर दूसरे से एक दूसरे से बात होत हुई, है ना। फिर प्रत्युत्तर माने तो उपकार के बदले अपकार, अगर आपने किसी का अच्छा किया उसने आपके साथ बुरा कर दिया तो उपकार के बदले अपकार होगा भैया। एक प्रत्ययकार होता अपकार को बदलने में उपकार, अरे कोनो गलत कह दिया तू अच्छा काम कह दिया, है ना, तो ही काधी का प्रत्याकार। एक बलि होता बलिवान भेंट, कहन भैया तो हर बलि चढ़ा दे भगवान दुर्गा माई के काली माई के, तार बकरा चढ़ा दे जैसे मुड़ी चला दी ना जैसे काट के चला दी, तो कहो तो बलिवान भेंट कर देना, कहते ना शीश की बलि कर देते हैं, रावण ने अपने 10 शीश को भगवान भोलेनाथ को भेंट कर दिया था, बलि दे दिए। अरे बलि जो नरियल चलाते हैं, अरे नरियल नहीं चलाते क्या नौतम है, नरियल चलाते ना तो नरियल भी तो बलि है यार, है ना। और एक बलि माने बलशाली होता है, बलशाली एक राजा बलि थे, है ना, तो बलशाली का बड़ा बलि यहाँ भैया, जैसे बजरंग बलि हो बल के अथाह बलबा, तो बलशाली हो गए।
वारिस माने उत्तराधिकारी। कहन तार कोनो वारिस आए उत्तराधिकारी? कहन हाँ भैया। कहन वारिस लगाए थे जमीनिया में तो मरे के बाद ओके मिल जाए तो वारिस होएगा। और इसे वारिस होता, वारिस वारिस छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो वारिस माने समुद्र होता, समुद्र। और नंदी माने कैदी है ना, कैदी। और बंदी माने वंदना करने वाला। कहना बंदी आपके वंदना करते प्रभु। ब्याज माने सूद, आजकल बहुत ब्याज लगत बा भैया। कहन सूद ब्याज से वसूल ले, अगर तो उनको पैसा वैसा दे दें ना तो कहने के ब्याज ले भो। कहन ले लिया भैया। तो ब्याज मैंने कहा तो सूद। और आजकल बैंकन के ब्याज देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज लगत बा। तो मूलधन के मिश्रधन, मिश्रधन के फिर उस सारे ऊपर लगा दिए ब्याज। और फिर ब्याज लिए एक बार जौन ब्याज लगा दिए ना, दे तार सब हो जाए है ना, तो ब्याज मैंने सूत होएगा। और एक ब्याज मैंने बहाना होता। कहन कहा हो बड़ा बहाना बना बैठे। कहना आज पढ़ाई जाबे? कहन नहीं आज हमार पेट पिरात बा। पेटे में कैसे झाक ले बग पिरात बग ना पिरात बा। बहुत बहाने बाज लोग आजकल 80% लोग बहाना बनाता है। और जब से मोबाइल ये चल गया ना, कहन कहा बटे हो? कहना तो बनारस में बटे आए अपने गर्म गुस्सा बटे है ना। इतना झूठ बोले थी लोग मोबाइल पे, 70% झूठ बोले के बढ़िया एक यंत्र मिल गया, कहीं भी रहा कुछ बोल दो कोई दिक्कत ना आ है ना। तो वो अलग बात है। अरे जब टावर सेट करी तब पता लगी ना कहाँ से बोल बनो जन टू कॉलर लगी है। तो यहाँ प्याज ब्याज मैंने बहाना हो गया। मुंदिर माने पर्वत होता है और मंदिर माने भी एक बेबाक पर्वत होता है बच्चों। तो इस तरह हमने आपको प्रिय बच्चों 100 बताया है लगभग, कुछ छोड़ा नहीं हमने। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, अपने और साथियों को दिखाइए। समरूपी शब्द हैं, समरूपी भिन्नात्मक शब्द हैं बच्चों। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन शब्दों को दो बार पढ़िएगा, वीडियो को दो बार देखिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और ये आपका एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को नहीं किए हैं आप तो, और हो सके तो शेयर करो ज़्यादा से लोगों को, ज़्यादा लोगों को भी इस ज्ञान मिले। निःशुल्क वीडियो बच्चों, कोई चार्ज नहीं ले रहे आपसे, और लोगों को कल्याण हो जाए जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों का। और बच्चों इस तरह से इसको आप लाइक्स कमेंट और शेयर करिएगा। अब थोड़ा सा वक्त आ गया क्वेश्चन पूछने का है ना। तो पहला आपका है कि जैसे इसमें ले सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा है, जैसे क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि समरूपी शब्द किसे कहते हैं। समरूपी शब्द किसे कहते हैं? अपकार का समरूप बताइए, उपकार का समरूप बताइए, अग का समरूप बताइए, विग्रह का समरूप बताइए, अस्थि का समरूप बताइए, उपकार का समरूप बताइए, अपकार का बताइए, और कृतघ्न का बताइए, और अगला है आपका पृथ्वी का बताइए, आकाश का बताइए आप, और अनुपम का बताइए, और अमृत का बताइए। और बच्चों शमनार्थी शब्द को किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको बताना है, कि शमनार्थी शब्द को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है, और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जिसे आपसे आया कि क्वेश्चन आया है ये एसएससी में कि अग, आद्य और अग ये किस तरह के शब्द हैं, तो आप क्या बताएंगे? शमनार्थी शब्द हैं।
ये आया आपका अम्ल और अमल, ये आपका बच्चों एसएससी में आया हुआ है ना, एसएससी में अम्ल और अमल। फिर आपका एक है अजर और अधीर, अजीर, अजर और अजीर, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है। तीसरा बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो समाप्त